यहाँ तक लग गया, इसके नीचे पैरों में तो नहीं गई, पैरों में तो दर्द नहीं रहते, ऊपर यहाँ तक दर्द रहते हैं। डॉक्टरों से इलाज कराए थे, कितना इलाज कराया? कितने साल? 2011 से परेशान। 2011 से डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं। क्या आपका रोग बढ़ा कि घटा? बढ़ता ही जा रहा था, जब से यहाँ आई तब से घटा है। तब से घटा है, वरना बढ़ता ही जा रहा था। तालियां बजा दो, देखो कितनी बड़ी बात है। अगर आपको प्रेत बाधा है, आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, प्रेत बाधा में आपका रोग बढ़ता ही जाएगा, घटेगा कदापि नहीं। घटेगा तब जब आपको प्रेत बाधा नहीं होगी और डॉक्टर की ही बीमारी होगी, डॉक्टर का ही इलाज डॉक्टर करेगा, तभी घटेगा, वरना घटेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा। सबको मनु भैया की वीडियो देखनी चाहिए, जानना चाहिए प्रेत बाधा होती है कि नहीं। आपके शरीर में प्रेत था, निकलेगा, आप ठीक होगे, आप सदा के लिए ठीक हो जाओगे और जाप करोगे, भगवान से जुड़ोगे, आपको अपनी महत्ता पता चलेगी, अपने कुल की महत्ता पता चलेगी, अपना धर्म पता चलेगा कि मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं भगवान की हूँ और भगवान मेरे, मेरा तेज बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, ठीक है। आपका जब तेज बढ़ेगा, कदापि आपको प्रेत बाधा नहीं होगी। और इसको निकालना है, इससे डरना नहीं है, इससे शर्माना नहीं है, ये संसार में सभी के घर में है, तो फिर डरते कहाँ हो? बताओ किसके घर में नहीं है? तो क्या किसी पढ़े लिखे के घर में नहीं है? है। तो क्या किसी बड़े व्यक्ति के घर में नहीं है? है। तो क्या किसी जज आदि के घर में नहीं है? है। तो क्या किसी डॉक्टर आदि के घर में नहीं है? है। जब सभी के घर में है तो डरना काहे का, ये कहते हुए कि प्रेत है, क्योंकि प्रेत को निकालने वाले आज भी बैठे हैं तुम्हारे सामने, मनु भैया हैं और सीध करके दिखा रहे हैं। और जिसको बहुत भारी प्रेत है, उसका प्रेत धीरे धीरे जाता है, एकदम से कदापि नहीं जाता, वो भागता फिरता है। उसका काम है केवल भागते फिरते रहना, उसका काम है ये कि कोई जल्दी से ठीक कर दे, जल्दी से कदापि उसका मूल नहीं जाता है। और मूल जब तक नहीं जाएगा तब तक घर में प्रेत रहेंगे और वो दुखी करते ही रहेंगे। चलिए आप अंदर जाप करें। क्या हुआ माता जी? भूख कहाँ लगी? यही कलेजे में लगी। कलेजे में कोई बीमारी है? कलेजे में कोई बीमारी है? कलेजे में कोई, कलेजा ऊपर नीचे होता है? अच्छा, मतलब घबराहट होती है, चली जाएगी। चलो जाओ जब कराओ। डॉक्टर को नहीं दिखाया था? चलो दिखाओ और दिखाओ। हाँ जी, कहाँ लगी भूख? है पेट में लगी। पेट में कोई बीमारी है? क्या बीमारी है पेट में? पथरी है। तो पेट में अभी दर्द है कहीं भी? तो फिर पथरी कैसे है, तुझे कैसे पता दर्द हुआ था? पथरी का पता चला कल, मैं बहुत परेशान थी, 11 साल से पथरी है मेरे। कहाँ पथरी है? पित्त की थैली में। अभी दर्द है? अभी दर्द नहीं। हर रोज पित्त की थैली में दर्द रहता है? हाँ। फिर आज क्यों नहीं है? फिर पथरी का है, पथरी पड़ी रहती है, पथरी का दर्द तभी होता है। लेकिन आपको अगर मान लिया कलेजे में पथरी है, ये बात डॉक्टर ने बता दी कलेजे में दर्द होता है, तो डॉक्टर आपका टेस्ट करेगा, लेकिन उस पथरी का दर्द आपको है नहीं कलेजे में अभी, तो इसका मतलब प्रेत ने वहाँ बैठ के दर्द किया, आपको ये लगा मेरे कलेजे में पथरी है, आप पित्त की थैली का ऑपरेशन कराएंगे सीधा, चाहे वो पथरी जीवन भर आपको इतना सा भी परेशान ना करे। आगे ना, बहुत सारे लोगों को पथरियाँ पूरे शरीर में पड़ी रहती हैं कहीं ना कहीं, और वो परेशान करती ही नहीं है, तो हम उनका इलाज भी नहीं कराते। लेकिन कलेजे में आपके प्रेत बैठा है, उस प्रेत ने आपको दर्द किया, डॉक्टर ने चेकअप किया, उसने बताया पथरी है, अब डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहा है। क्या रखी है ना, काहे कराते हो जब दर्द ही नहीं है? अब मैं गारंटी लेता हूँ आपको पथरी का दर्द है ही नहीं, जो हमेशा रहता था, सवेरे आए थे तब था नहीं, और कल था, रात तक था, जब आपने ये निर्णय किया मुझे सवेरे मनु भैया के पास जाना है, तब से आराम पड़ा है? हाँ के ना जी। क्यों पड़ा है बताइए मुझे, पथरी को सुनाई देता है? पथरी सुनती है कि मैं ये मनु भैया के पास जाए कि मुझे दर्द बंद रखना है? पथरी सुनती है क्या? पथरी कोई आदमी नुमा वो है क्या? ये प्रेत है, जो पहले आदमी था, जिसके पास मन है, बुद्धि है, अहंकार है, जो सारी चीज जानता है, वो आपके कहीं कहीं के ऑपरेशन करा देगा, और ऑपरेशन कदापि सक्सेस नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, वो उस दिन हंसेगा जिस दिन डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा, और आप फिर से कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे यहाँ दर्द है, वो उस दिन हंसता है आपके पैसे खराब करा के। ये प्रेत की बात है, उसके पास दिल है, उसके पास दिमाग है, बुद्धि है, मन है, अहंकार है, दिल नहीं है, दिल आपके पास है, आए ना समझ में हो? और जब वो मन बुद्धि अहंकार से आपको परेशान करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास जो बुद्धि है वो इतनी कुशाग्र है कि वो काम करती है। आपने जहाँ टेस्ट कराया दर्द का, अब वो पित्त की थैली पे, कल को पेट के नीचे चला जाएगा, डॉक्टर कहेगा आपके अंदर कोई गोला सा घूम रहा है, शायद मैं आपकी वो है, क्या बोलते हैं, गैस की प्रॉब्लम बताई थी कल, वो छोड़ दे, दर्द का है मेरे को, गांठ बता देता है, फिर उसका ऑपरेशन कर देता है, दर्द का है, झुको, जो पथरी का दर्द रोज हो रहा था वो भी पित्त की थैली में, वो आज भी होना चाहिए था, जबकि वो रात से बंदा, जब से आपने सोचा है कि मुझे मनु भैया के पास जाना, बोलो शनिदेव महाराज की, दबाओ यहाँ, दबाओ यहाँ, खूब कलेजे को दबाओ, दबाओ, फिर काहे का दर्द, काहे की पथरी, कौन सा दर्द, कौन सी पथरी, फूंक कहाँ लगी बताना, बोलो शनिदेव महाराज की, कहाँ लगी फूंक, कहाँ लगी? जहाँ फूंक लगी वहीं पे प्रेत बैठता है, वहीं से ऊपर नीचे होता है। आओ यहाँ मैं साबित करके दिखाता हूँ, ये हाथ में से लो, इसके
ठीक है, देखो दुनिया का कितना बड़ा केस। क्या नाम है तेरा? ज्योति। हाथ जोड़ बोल, हे शनिदेव महाराज, मुझे पथरी का दर्द है या मेरे कलेजे में प्रेत बैठता है, आप ये सिद्ध करके दिखाइए। जो भी प्रेत मेरे शरीर में अभी बचा हुआ है, घबराहट जिसको उत्पन्न हो गई है मनु भैया को देख के, उसको वापिस कलेजे में लेके आओ, वैसा ही पथरी का दर्द करा के दिखाओ। मैं मान जाऊंगी कि आपकी समस्या यानी कि प्रेत बाधा है। ये जान ले दुनिया कि मनु भैया कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, वैज्ञानिकों के सामने भी। इसको फिर से वही दर्द होगा। अभी जरा सी देर में बोल दो जय शनिदेव, जय शनिदेव। दरबार अगर सच्चा है, आपकी नीयत सच्ची है, आप सत्य पे आधारित है, आपने अपनी माताओं बहनों को सुख देना है, आपने अपने समाज को सुख देना है, आपने सबके कल्याण में निहित है, आप चाहते हैं सबको शांति मिले, आप चाहते हैं सबको शक्ति भक्ति मिले, आप चाहते हैं जैसी भक्ति आपने ग्रस्त होके पाई है सब ऐसी ग्रस्त होके भक्ति पाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मेरी तरह काम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, इतनी ठंडी हवा चलते हुए भी मेहनत करनी पड़ेगी। बोले शनिदेव महाराज की, सिद्ध करना पड़ेगा। दर्द आया, कलेजे पे दर्द बढ़ने लगा, क्या परम पूज्य मनु भैया जी की, क्या हुआ? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और फिर भी डॉक्टर इसका ऑपरेशन कर देता है इसके। मैं मानता हूं, मैं ये भी मानता हूं इसके पित्त की थैली में पथरी होगी, लेकिन उसकी पित्त की थैली की पथरी का भी कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई दर्द था नहीं। और वापस मैंने प्रकट किया, उस प्रेत को वहीं बैठाया उसी के स्थान पे जहां वो बैठ के इसको दर्द करके दिखाता था। अभी दर्द हो रहा है कि नहीं? अपने जोर से बोल, आंख खोल के। कहां दर्द हुआ? वहीं पे जहां होता था, जिसके लिए डॉक्टर तेरा ऑपरेशन बोल रहे थे। मेरी मम्मी को बोला था 39,000 रुपए का ऑपरेशन, डॉक्टरों के फेरे में जो पड़ जाता है ना, वो बाहर नहीं निकल पाता, उसके घर में जितना पैसा होता है ना चाट जाता है। ये प्रेत बाहर खड़ा होकर हंसता रहता है और फिर ये कहता है, देखा देखा साले के पैसे लगवा दिए, जीवन भर की कमाई लगवा दी, आगे ना समझ में। फिर ये पैर में चला जाएगा, घुटने घुटने में बैठेगा, घुटना बंद हो जाएगा, चौक हो जाएगा, है, और घूमेगी, कभी पंजा उड़ जाएगा, कभी कुछ होगा, ये समझेगी कि मैं मरना जाऊं कहीं, और फिर घुटने का ऑपरेशन डॉक्टर से करा लेगी। डॉक्टर के पास ज्यादा दिन जाएगी, पहले दवाई दे के देखेगा, फिर ट्यूब लगा के देखेगा, फिर तेल मलवा के देखेगा आयुर्वेद वाला, फिर सारे काम कर लेंगे और पता चलेगा बैठा घुटने में कौन था, प्रेतराज। और उस प्रेतराज को निकालना भारी पड़ेगा किसी को भी, उसकी टेक्निक होगी, आगे ना उसकी औषधि है, मंत्र, मंत्र उसके मुख में डाला जाएगा, उसका कल्याण किया जाएगा, उसको निगेटिव से पॉजिटिव किया जाएगा, उसको यज्ञ कुंड में भर दिया जाएगा, और तब जाके आप ठीक हो जाओगे। कौन सी बार आई है? दूसरी बार। अभी आना है, समझ गई? क्या करना है? कान में एक एक फूंक और लगवा, अंदर जाप करवा और घर जा। बोलो जय शनिदेव, जय।